You're a superhero. हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं ऋतिक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं क्रेजी ऋतिक आईडी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और बढ़िया सा थीम जो कि आपके फोर ए फोन को जो है चेंज करके रख देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बोर हो चुके हैं आपके मी यूआई से, तो आपके लिए एक बढ़िया सा थीम लेके आ गया हूं जो थोड़ा सा जो है आपको यूनिक लुक देखने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद अपने यूआई से जो है बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं रोज़ रोज़ जो है नई नई थीम लगाता रहता हूँ और उसके लिए वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी रोज़ आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको थीम अप्लाई कर लेता हूँ और आपको भी नाम नहीं बताऊँगा। अगर आपको अभी नाम बता दूंगा तो मेरे वीडियो पे जो है व्यूज़ नहीं आएंगे, वॉच टाइम दोस्तों मेरा नहीं आता है, इसकी वजह से दोस्तों मेरी जो वीडियो जो है रैंक नहीं करती, इसलिए मैं आपको लास्ट में जो है नाम बताऊँगा। तो अगर आपको चाहिए नाम तो वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों, थीम मैंने जो है अप्लाई कर ली है और उसका नाम मैंने जैसे कि बताया था आपको लास्ट में ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए, ये है हमारा होम स्क्रीन और जिस पे हमारा विडजेट है, ये अपना क्लॉक का भी है और ये अपना वेदर का भी है। बहुत ही अच्छा लगता है देखिए दोस्तों, में दोनों जैसे iOS जैसा विडजेट हमें देखने को लग जाता है और साथ ही दोस्तों इसका बहुत बढ़िया वॉलपेपर हमें देखने को मिलता है और इसके आइकन्स दोस्तों जो है वो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, हल्का फुल्का चेंज इसको देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों हमारा होम स्क्रीन था और ये हमारे कुछ आइकन्स थे। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका कंट्रोल सेंटर। दोस्तों इस तरीके का हमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर किया गया है, पहले जो सर्कल होते थे उनको जो थोड़ा सा हटा दिया है, सर्कल जो साइड से जो काट दिए गए हैं थोड़े थोड़े, और तो उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमको देख लेते हैं सेटिंग इसकी। और अभी दोस्तों मैं आपको दो तरह के कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलते हैं, एक नॉर्मल भी होता है जो हमारा Mi 11 मिलता था, उस पर भी मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। और ये फुली डार्क मोड सपोर्टेड थीम है। जी दोस्तों, मेरे में भी ये देखिए डार्क मोड अभी लगा हुआ है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप इसको डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको वैसी थीम लेके आता हूँ जो दोनों ही सपोर्ट करे। तो दोस्तों ये हमारी सेटिंग है, देखने में काफ़ी जो मिनिमिस्टिक लगती है और काफ़ी यूनिक फ़ोन को जो है लुक देने की कोशिश करा गया है इस थीम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं हमारे को जो दूसरा हमारा जो कंट्रोल सेंटर है इसको अभी यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर को हम ऑफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों इसके अंदर जो है कैसे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिलता है अगर हम कंट्रोल सेंटर को यूज़ नहीं करते तो काफ़ी यूनिक जो थीम देखने को लग जाती है। और इसका दोस्तों मैं डार्क मोड हटा लेता हूँ, फिर देखता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है। तो बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छी थीम है यार, काफ़ी ज़्यादा पसंद मेरे को आने लगी है ये थीम। और मैं अभी कुछ दिन तो कंट्रोल सेंटर इसका यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ऐसे ही जो ये पसंद आ रही है। चलिए मैं इसको डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को डार्क मोड ही पसंद है। तो अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको इसका जो है डायलर पैड, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारा डायलर पैड इसके अंदर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, एज इट इज़ हमें इसको देखने को दे दिया गया है। तो दोस्तों अब इसका देख लेते हैं हम लोग जो है लॉक स्क्रीन, इसके अंदर क्या चेंज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लॉक स्क्रीन, इसके अंदर दोस्तों पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है लॉक स्क्रीन को। यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा है और साइड में हमारे पास जो है फ्लैश लाइट है, जलता है क्या? बिल्कुल जल रहा है दोस्तों, काम कर रहा है पहली बार, MI पे भरोसा नहीं है दोस्तों, कुछ भी काम नहीं करता है। और साइड में स्वाइप करने में कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। और दोस्तों और इसका वॉलपेपर चेंज कर दिया गया है, क्लॉक विजर चेंज कर दिया गया है लॉक स्क्रीन का। और ये अपना ऊपर जाएंगे ताला खुल जाएगा और यहाँ पासवर्ड मारेंगे और ये फिनिश। तो दोस्तों यही थी थीम और काफ़ी पसंद आई मेरे को तो, और आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करोगे तो दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब पता लग जाएगा कि आपने अभी जो है पूरी वीडियो देख ली है। तो दोस्तों अब इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेसब्री से आप जो इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों ये देखिए कंसेप्ट 14। जी हाँ दोस्तों, ये इसका नाम है, आप कंसेप्ट 14 ही सर्च कर दीजिए, आपको ये थीम देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ ये थीम अब देखने को मिल जाती है। और भी दोस्तों अगर जो मैंने स्टार्टिंग में जो थीम लगा रखी थी उसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने उसकी जो है लिंक दे दी है। वो लोगों को सर्चिंग में नहीं मिलती है इसलिए मैंने दोस्तों जो है उसकी लिंक दे रखी है, नहीं तो दोस्तों मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, पिछली वीडियो आप चेक करिए, पिक्सल थीम है वो, उसकी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप देख लीजिए कैसे मैंने उसको जो है अप्लाई किया है। तो दोस्तों कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जिसकी लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। और ग्रुप भी है दोस्तों, अगर आप ग्रुप में हमारा कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कोई डाउट आपके हैं तो ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।